कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है, जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सांसों में तूने ही सिखाया, सच्चाई का मतलब तेरे पास आके जाना, मैंने जिंदगी का मकसद नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। मैं आमिर खान आप सभी का तहे दिल से शो पर स्वागत करता हूं। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। दोस्तों, इश्क वो आतिश, वो चिंगारी, वो आग है जिसे आप लाख लगाने की कोशिश करिए नहीं लगा पाएंगे, लेकिन एक दफा आग लग गई तो आप लाख बुझाने की कोशिश करिए नहीं बुझा पाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ आज हमारी ऑडियंस में ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो गई है। इसका मतलब ये कि आप शायद इस वक्त उस इश्क की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके साथ साथ हमारे साथ हैं ऐसे नौजवान जिनकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, जो इस वक्त शायद इश्क की आग में जल रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त आज महम चौबीसी ख्वाब के सदस्य भी हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू सो मच। तो ऐसी क्या बात है इश्क में दोस्तों कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने, बताइए, कोई मुझे बता सकता है ऑडियंस में कि इश्क में ऐसी क्या बात है? मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। जनाब मुझे बताइए आपकी उम्र क्या? 82। 82, वाह 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 वाह। हाँ हाँ, कहिए कहिए। सर मुझे लगता है कि इश्क एक बुखार की तरह है, जिस तरह से बुखार पे कोई ज़ोर नहीं होता, हवा पे कोई ज़ोर नहीं होता, लहर पे कोई ज़ोर नहीं होता, इश्क भी उसी तरह से एक लहर की देन है। एक बहुत और बताइए, और यहाँ पे कोई लोग हैं जो इश्क के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर आपका क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल है इश्क के बारे में? देखिए, मेरा ख्याल इश्क के बारे में ये कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जब भी कोई फिल्म में काम करता हूँ तो जो हीरोइन होती है मेरी फिल्म की, उस पर मेरा दिल आ जाता है। और मैं फिर किरण जी को समझाता हूँ कि देखिए, इश्क पर किसी का जोर नहीं, कहीं वो एक दिन मुझे ये ना बोल दें, मुझे इस बात का डर है। अगर हम हमारे पॉपुलर कल्चर को देखें, यानी कि जो हमारी फिल्में हैं, हिंदी फिल्में या हर भाषा की फिल्में, और जो उनमें गाने हैं, उन सब में एक रोमांस और प्यार और मोहब्बत की एक ख़ास जगह होती है, एक ख़ास अहमियत होती है। इसलिए तो ये फिल्में इतनी कामयाब होती हैं। ज़ाहिर है हर इंसान इन फिल्मों को पसंद करता है, उनमें जो रोमांस है उनको पसंद करता है। हम चाहते हैं कि हीरो हीरोइन का मिलन हो, वो मिल जाएं, और जब कभी नहीं होता तो हम बड़े उदास होते हैं उनके लिए। ये तो हो गई सिनेमा घर की बात, लेकिन अपने घर में असल ज़िंदगी में क्या होता है, आइए देखते हैं। एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया, पर लोकेंद्र के जीने का ना तो हौसला कम हुआ ना ही उमंग। जिस घर में किराए पर रह रहे थे, उसी घर की बेटी फहमीदा ने उन्हें अपने दिल का मालिक बना लिया। फहमीदा के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, लेकिन प्यार कहां मजहबों की दीवारों को मानता है। दोनों ने छिपकर शादी कर ली। फहमीदा के घर वालों ने उन्हें खोजना शुरू किया। जान बचाने के लिए लोकेंद्र और फहमीदा इधर उधर भटकने लगे। झांसी, आगरा, मैसूर, दिल्ली, ग्वालियर, एमपी और यूपी, दोनों राज्यों की पुलिस भी उनके पीछे पड़ गई थी। जिंदगी ने खौफनाक रूप ले लिया है। मौत का साया हर वक्त सर पे मंडराता रहता है। क्या गुनाह है इनका? प्यार? फहमीदा जी, लोकेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, हमारे साथ जुड़ने का।
फहमीदा जी मुझे बताइए, आपको डर था कि आपके परिवार वाले, आपके माँ बाप शायद खुश ना हो इस बात से कि आप लुकेंद्र को चाहने लगी? हाँ, मतलब ये तो 100% था कि अगर उनको बताया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है कि वो कुछ गलत कदम उठाएं, गुस्से में आ जाएं। हाँ जी लुकेंद्र जी, मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा जब आप घर से निकले? सर शायद ही है कि ऐसी कोई मुसीबत ना हो जो हम दोनों ने उसका सामना ना किया हो। हमारे रिश्तेदारों को, हमारी परिवार वालों को, भाइयों को पुलिस ने परेशान करना शुरू किया कि बताओ वो कहाँ है जी। इसके बाद जब ग्वालियर हाई कोर्ट से हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला तो हमें कुछ अपने आप में कॉन्फिडेंस आया कि चलो कोई हेल्प नहीं करेगा तो पुलिस तो हमारी हेल्प करेगी ही। तो सर मैं झांसी एसपी के पास गया तो पुलिस वालों ने एसपी साहब से नाम मिलाकर हमें सर बंद कर दिया, पुलिस वालों ने लोकल आपको बंद कर दिया जी मुझे। तो उस थाना अध्यक्ष ने सर हमारे साथ वो सलूक किया है कि शायद ही कोई दुश्मन के साथ ना करे। तो उसने सबसे पहले क्या किया उसने सर इनके परिवार वालों को बुलाया। अच्छा। तो इनके पिताजी, इनके रिश्तेदार थाने में पहुंचे, पूरा थाना घेर लिया। तो सर उन्होंने उस थानाध्यक्ष से कहा कि इसकी इतनी पिटाई करो कि ये हमारी लड़की का पता बता दे। मैं पुलिस से हाथ पैर जोड़ता रहा कि देखिए हमारे पास हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर है, चूंकि हमने शादी अपनी मर्जी से की, हम दोनों बालिग हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो सर उसने एक नहीं सुनी और प्रोटेक्शन ऑर्डर सर फाड़ के फेंक दिया सर उन्हीं लोगों के सामने। और दो दिन तक उसने हमें बंद रखा थाने में, बहुत मारपीट की, यहाँ तक कि भूखा प्यासा। और इसके बाद 25,000 रुपये उसने थानाध्यक्ष ने लिए हमारे भाई से और उसने हमें छोड़ा और उसने कहा कि जाओ यहाँ से बहुत दूर भाग जाओ, अगर यहाँ कहीं लोकल में दिखाई दोगे तो दोबारा पकड़ लूँगा या इनके फैमिली वाले देख लेंगे तो वो मार देंगे तुम्हें जान से। तो सर उस टाइम से लेकर बहुत भागा सर, हर तरह की ग्वालियर में, आगरा में, देहरादून में, और ये अपने आप में लगता था कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई हमें देख लिया हो या देख ले। तो 8-8 दिन में सर रूम बदल के सर रहना पड़ता था। पुलिस आज भी सर इतना डराती है सर, पहले तो सर पुलिस वालों से कहो कि हम दोनों ने प्रेम विवाह किया, हमारा मैटर है, तो सर पहले तो नीचे से लेकर ऊपर घूर कर देखते हैं सर जी। कि आपने ऐसा किया है, अच्छा जी पैर इसीलिए कटा है तुम्हारा, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा तुम्हें। सर इन्हें क्या हक बनता है सर इस तरह की इंसल्ट करने का? सर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। फहमीदा जी मुझे बताइए कि आप लोकेंद्र जी से मिली और आपका इनकी तरफ झुकाव हुआ, उससे पहले आपके परिवार में माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ कैसा रिश्ता था? बहुत ही प्यारा रिश्ता था। जब से हमने होश संभाला है तब से हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। पापा के ज़्यादा करीब रहे हम, पापा के ज़्यादा करीब रही हैं आप जी। पापा की चमची कहला देते घर में। और वो दो सिस्टर है हमारी जी, उनके साथ मतलब बिताए हुए हर एक पल अभी तक याद करते हैं। जब घर से निकल रहे थे तो सबका चेहरा देखा, उनसे ये बोल भी नहीं पा रहे थे कि शायद पता नहीं हम उनको कब देखें आगे या कभी देख भी ना पाए। लेकिन दिल में एक मम्मी पापा से मतलब दूर रहने का गम, और आज उनका ऐसा मानना है कि हम उनको चाहते नहीं हैं या उनकी इज्जत नहीं करते या उनको वो अहमियत नहीं दी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हमें उनकी कमी महसूस होती है, हमें उनकी ज़रूरत है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना चाहने वाले कभी जान के दुश्मन बन जाएंगे। उनका आज भी सर यही मानना है, हम भी अब तक हम दोनों यही सोच रहे थे कि शायद अब 2 साल हो चुकी हैं, 2.5 साल हो चुकी है, अब तक शायद वो लोग नॉर्मल हों। तो हमने भी कोशिश की, दोनों ने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन उनकी थिंकिंग जो पहले थी वो आज भी है जी जी जी। फहमीदा जी, क्या आप कभी ये सोचती हैं कि मैंने गलती की लोकेंद्र से शादी करके, काश मैं नहीं करती? लोकेंद्र से शादी करना ये हमारे लिए कोई गलत फैसला नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये इंसान हमारे लिए क्या है और हमारे लिए क्या कर सकता है जी। और हमें यकीन है दिल से कि हम गलत नहीं हैं।
और इस तरह हमने शादी की है, सभी ये कहते हैं कि तुम्हारा बुरा अंजाम होगा, लेकिन अगर कोई ऊपर वाले का वादसत दे के ये कहता है तो ऊपर वाले का ही नाम लेकर हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम भी ये दुनिया को एक दिन दिखा देंगे कि हम गलत नहीं हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो मुकाम हमें हासिल ज़रूर होगा जी जी अगर जिंदा रहे तो। फहमीदा जी, लोकेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये है फहमीदा और लोकेंद्र की कहानी। ये दोनों आज भी मौत के साए में जी रहे हैं, लेकिन शुक्र है जिंदा तो हैं। पर हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता। सत्ताईस साल का रिजवान एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ग्राफिक डिजाइन इंस्ट्रक्टर की जॉब करता था। नेक दिल, मिलनसार, हसमुख लड़का था रिजवान। माँ के बहुत करीब था। स्टूडेंट्स उसे टीचर कम अपना दोस्त ज्यादा समझते थे। एक स्टूडेंट प्रियंका को तो रिजवान से प्यार हो गया। रिजवान भी प्रियंका से मोहब्बत करने लगा। रिजवान एक साधारण घर का लड़का था और प्रियंका एक बड़े उद्योगपति की बेटी। पर प्यार कहां दुनियादारी के बंधन में बंधा है। दोनों बालिग थे, रजामंद थे। उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद प्रियंका रिजवान के घर में रहने लगी। ये बात प्रियंका के घर वालों को रास नहीं आई। पुलिस की मदद से उन्होंने दबाव डाला और धोखे से प्रियंका को वापस ले गए। मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत शोर शोर से वो तैयारी कर रहा था कि मैं एक कानूनी लड़ाई लड़के प्रियंका को वापस ले आऊंगा। अचानक एक दिन रिजवान की लाश दमदम रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुई। सरकारी रिपोर्ट ने इसे सुसाइड का मामला बताया। सुसाइड नहीं, वो सुसाइड करने वाला लड़का नहीं था। कोलकाता पुलिस ने कहा ये एक एक्सीडेंट है। उन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। इस घटना ने सारे बंगाल को झकझोर दिया। कोर्ट कचहरी में तो मामला चलता ही रहेगा, लेकिन एक घर का आंगन सूना हो गया। अपने बेटे को बिना वजह खो देने का गम क्या होता है? माँ के अलावा क्या कोई समझ सकता है? आदाब पापा। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं किश्वर आपा, जो रिजवान की अम्मी हैं। आपा, आपके दर्द की इंतहा शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे। एक माँ पे क्या गुजरती है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपके दर्द में शरीक हैं। आपको कब पता लगा कि वो किसी लड़की से प्यार करता है? एक दफ़ा वो अचानक प्रियंका को लेके आया घर पे। रिजवान से हम पूछे इसका नाम क्या, तो वो हंस के बोला जो नाम बता दो, नाम बता दो माँ को। तो नहीं बताई, तो हम फिर और नहीं कुछ पूछा। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर चली गई, उसको लेके चला गया। फिर उसके बाद एक दिन अचानक देख रहे हैं कि वो आया प्रियंका को लेके, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि मेरा लड़का और मेरी बहू मैंने उसका भाई भाभी वो लोग आए। पहले भाभी को अपनी बताया भाभी है यहाँ। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद हमको रिजवान बुलाया, बुला के बोला कि माँ हम लोग शादी कर लिए है। तो बोले शादी कर लिए हो तुम, तो शादी के लिए राज़ी नहीं होते थे। हम बहुत बार उसको शादी के लिए बोला, उसका भाई भी बोलता था। अचानक ये सुना तो हम बोला अच्छा है कोई बात नहीं, बैठो बैठो तुम लोग बैठो। उस वक्त आप प्रियंका के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी? ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे हम, यहाँ तक कि बोला ना कि हमको नाम भी नहीं मालूम। तो आपने उनको डांटा नहीं कि भाई तुमने शादी क्यों की, मुझसे पूछा नहीं, ऐसा कुछ नहीं? तो और खुशी हुआ, बल्कि जो लड़का राज़ी नहीं था शादी पे वो राज़ी हो गया, शादी भी कर लिया, चलो अच्छा ही हुआ जी। उसके बाद शाम 6 बजे के करीब ये अपने माँ बाप को अपने फ़ोन की, तो भाई उसकी माँ तो नहीं आई, लेकिन बाप आए, मामू आए, चचा आए। आपके घर पे? अब मेरे घर पे। ये सारा रात वहीं पर ठहर गए लड़की को ले जाने के लिए, बहुत जिद। लड़की बोली हम नहीं जाएंगे पिताजी, हमने शादी किया है हम यहीं रहेंगे। और उसके जो अब्बा थे वो तो मान रहे नहीं हैं, हम अकेले तो जाएंगे नहीं। सारी रात
ये चलता रहा चलता रहा। जब बहुत रात हो गई तो हम लोग पूछे गए, देखिए आप लोग कुछ खा लीजिए, जो हो सकता है आप लोग खा लीजिए। तो खाना सामने पेश किया, खाने के बाद तो फिर वो दवा वगैरह खा के वो बोले अब हम लेट गए। तो फिर उसके बाद सुबह हो गई, तो रात भर वो आपके घर में रुके, रात भर वो में वहीं रहे, फिर चाय वाय पी के वो चले गए जी। शाम नहीं होते होते फिर पुलिस लाल बाजार बुलाया कि तुम लोग दोनों को आना पड़ेगा। सब इसके चचा लोग भी सब गए वहाँ जाके, मेरा बड़ा लड़का भी था। इन लोग को तो एक तरफ पुलिस एकदम हटा दिया, रिजवान समेत हटा दिया कि नहीं तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते, और उन लोग को एक रूम में अलग उन लोग से इज्जत से बात किया जा रहा। ये कितने दिन चला ऐसा पुलिस का? ये एक हफ्ता चला ऐसे ही, मतलब जिस दिन प्रियंका आई उसके एक हफ्ते तक ये चलता रहा। एक हफ्ते तक ये चलता रहा, वो प्रियंका को घर बुलाने की कोशिश करते रहे, वो ना करती रही और पुलिस आके दोनों को परेशान करती थी, आप लोगों को परेशान करती थी बहुत ज्यादा। तो तीसरा बार जो ये लोग को बुलाया तो हम बोला कि बेटा तुम लोग ठीक से है वापस आ जाना। तो बोले माँ आप मत घबराइए, अगर इनको अगर कोई अंदर करेगा तो मैं भी अंदर होंगी, मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगी। वहाँ गया तो रिजवान को तो बिल्कुल एकदम पकड़ के लॉकअप में कर दिया, बोला कि अगर तुम इसको नहीं छोड़ेगा तो हम तुमको चोरी के इल्ज़ाम में जेल भेज देंगे। तब लड़की प्रियंका जो बेचारी वो डर से बोली कि ठीक है हम लोग को एक साइन करके दीजिए कि हमको कब वापस लाइएगा यहाँ। तब वो उसके चचा जो थे वो एक साइन किए एक पेपर में कि 8 दिन बाद लड़की वापस आ जाएगी, और लड़की को ले गया। फिर उसके बाद रिजवान जब लॉकअप से छोड़ा उसको तो बोला कि प्रियंका कहाँ है? तो वो उसके चचा लोग बोले कि उसको तो ले गया है। बोले क्यों आप लोग छोड़े उसको? तो वो बोला तुम घबराओ मत, ये जो साइन करके दिए हैं कि 8 दिन बाद लड़की वापस आ जाएगी। लड़की को लेके एकदम जो वो जो गया तो फिर और आज तक उसको हम लोग नहीं देखा जी। जी वो दिन याद है आपको जब रिजवान जो रिजवान का जो आखिरी दिन था? इत्तेहामत था बेटा जो बोल नहीं सकते। 3 दिन पहले वो मेरे पास आया, आके मेरे बिस्तर में लेटा तो हम उसका ना पीठ में हाथ सहला रहे हैं, बदन में हाथ सहला रहे हैं, बेटा तुम क्यों रात को नहीं रहते बेटा मेरे पास रहो, तुमको मेरे पास से कोई नहीं ले जाएगा, किसी का ताकत नहीं मेरे पास से ले जाने का। तो वो हमको शायद वो उसको कुछ आगाही हुआ था या क्या, क्योंकि उसको धमकी बहुत आता था फ़ोन पे। अच्छा। पुलिस का धमकी, उन लोगों का धमकी, लड़की वालों का धमकी, शायद उसको कोई धमकी देता ही होगा कि तुम्हारे जान को ख़तरा है। या हाँ लड़की उसको इतना बता दी थी फ़ोन पे कि आप घर पे मत रहिएगा। अच्छा। क्योंकि आपके पीछे मेरे अब्बा ने गुंडा लगा दिए हैं। आखिरी 2 दिन तो वो मेरे पास नहीं रहा, तो उस पहले वो अपनी खाला के पास चला गया। अच्छा, तो वो खाला के यहाँ रहा? खाला के यहाँ रहा। फिर क्या हुआ? मेरी बहन बताई हमको, किसी का फ़ोन आया उसके पास सुबह सुबह, किसका फ़ोन था ये आज तक मालूम नहीं हो सका। फ़ोन आया तो वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ, तो मेरी बहन बोली कि बेटा तुम नाश्ता कर लो, नाश्ता करके तुम जाओ। तो नहीं मुन्नी खाला हम नाश्ता नहीं करेंगे, एक गिलास पानी हमको दे दीजिए। तो एक गिलास पानी दी उसको और वो उसको बिस्किट दी, तो वह एक बिस्किट और एक गिलास पानी पिया। वही जो निकला तो मेरी बहन बोल रही कि वो जब निकला तो हमको जैसा लगा कि जा रिजवान चला गया, क्या वापस आएगा? और हम भी इधर घर पे जल्दी उठ गए, उठ के हम बोले कि आज आया नहीं रिजवान, और मिलना नहीं हुआ बेटा जिंदगी में। उसके बाद शाम के तरफ वही बड़े भाई के फ़ोन पे उसी के फ़ोन से कॉल आया कि ये किसका नंबर है। रुकबान बोला कि ये तो मेरा छोटा भाई का फ़ोन, ये तो मेरा छोटा भाई का नंबर है, वो कहाँ है वो? तो वो लोग बताया उसको, आप जल्दी आ जाइए, यहाँ एक बॉडी मिला है। ये सुनी के तो वो तो समझ गया कि और मेरा भाई है नहीं, हमको तो कोई कुछ नहीं बता रहा। हम उसके लिए जुम्मा के नमाज में, जुम्मा का जो दोपहर का नमाज में बहुत दुआ किया था बेटा कि अल्लाह मेरे बच्चा को सही सलामत मेरे पास वापस ला दीजिए, अल्लाह हम और कुछ नहीं चाहते हैं, अल्लाह मेरा बच्चा सही सलामत आ जाए। अल्लाह ताला से क्या गुनाह हमसे हुआ था मालूम नहीं, मेरा बच्चा नहीं आया मेरे पास, क्या
क्या बताएं और बोले। आपको खबर फिर कैसे पता लगा, किसने बताया आपको? मेरा एक देवर है, तो देवर आके हमको लपट के बोला कि आप भैया का गम बर्दाश्त की हैं, तो एक साल पहले उसके अब्बा का इंतकाल हुआ 2006 में, इसी तरह इसको भी आप बर्दाश्त कीजिए। वो हमको खुल के बोल दिए, आप इसको बर्दाश्त कीजिए, कक्कू और नहीं है। हम बोले क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा बात मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा हो नहीं सकता, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। रुकवान आई के हमको लपट गया, अम्मा बाबू और नहीं है, अम्मा बाबू और नहीं है। हम बोले बाबू को अब मेरा दवा कौन लेगा लाके, मेरा दवा ख़त्म नहीं होते होते बेटा दवा ला के रख देता था चुप चुपचाप, हमको नींद से जगाता नहीं था। प्रियंका के परिवार के लिए आप क्या सोचती हैं, उनके बारे में आपको क्या ख्याल आता है? हमको यही ख्याल आता है कि वो लोग अगर ज़रा नफरत नहीं करते तो आज मेरा बच्चा भी ज़िंदा रहता और बहू भी मेरे पास रहती। मेरे तरह नहीं हो किसी का, जिस तरह मेरे साथ हुआ, अल्लाह किसी को इस तरह, किसी माँ को ये तकलीफ़ नहीं दे। हम यही दुआ करते हैं बस। इस सब होने के बाद आप एक जवान बेटा खो चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि उन्होंने सही किया प्यार करके, शादी करके, प्यार करके सही किया उन्होंने? अब इस पे तो कोई जोर नहीं है, जिस तरह आपने कहा, तो अब ये नहीं करता तो हम उसको रोक भी तो नहीं पाते हैं जी। वो तो हो ही गया था उसको उससे प्यार, तो वो किया तो कुछ गलत तो नहीं किया था। आज भी आप यकीन करती हैं प्यार में? बेशक, बहुत भरोसा है हमको, प्यार ही तो ज़िंदगी है। माँ बाप से प्यार, शौहर से प्यार, बच्चे से प्यार, यही तो ज़िंदगी है। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, हमको तो बहुत भरोसा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। रिजवान हमेशा हमारी दुआओं में और हमारी प्रार्थनाओं में, हम हमेशा उसको याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। दोस्तों, आज जो हमने दो आपबीतियां सुनी, उन दोनों में लड़का लड़की अलग अलग मजहब के थे, लेकिन जब लड़का और लड़की एक ही मजहब के होते हैं तब क्या समाज और परिवार वाले उन्हें बख्श देते हैं? मनोज थोड़ा शर्मीला पर मिलनसार लड़का था, बबली थोड़ी चुलबुली और चंचल, दोनों को प्यार हो गया, साथ रहने की कस्में खाली। दोनों जाट थे और एक ही गोत्र के। जाटों में एक ही गोत्र में शादी को ठीक नहीं माना जाता। बबली और मनोज को पता था कि बिरादरी वाले नाराज होंगे, घर वालों से छुपकर शादी कर ली। बबली के रिश्तेदार इस प्रेम विवाह से आग बबूला हो गए, उन्होंने जान से मार डालने की धमकी दी। गांव, बिरादरी, पंचायत सब खिलाफ हो गए। उनके पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। किसी तरह से मनोज बबली ने कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लिया, पर प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद दोनों की निर्मम हत्या कर दी गई। मनोज की मां और बहन ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बहिष्कार में 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा, जो आदमी उसके साथ बात करेगा या उसके संपर्क में आएगा या उसको कोई उसको सामान देगा लेगा। करनाल सेशंस कोर्ट ने 5 हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई और 2 को उम्र कैद। हाई कोर्ट ने उनमें से 2 आरोपियों को बरी कर दिया और 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब केस सुप्रीम कोर्ट में है। मनोज और बबली की हत्या शायद अखबार के किसी कोने में दबके रह जाती, अगर हजारों मुसीबतों से जूझते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ने का फैसला 2 अकेली साहसी महिलाओं ने ना लिया होता, मनोज की मां चंद्रपति और बहन सीमा।
सीमा जी, चंद्रपति जी, बहुत बहुत शुक्रिया. चंद्रमती जी, आपको इसके बारे में क्या कहना है? आप एक माँ हैं, आपको क्या लगता है कि आपके बेटे ने सही किया, गलत किया, जो उसको सजा मिली वो? नहीं बेटा, मेरे बेटे ने कोई खोट नहीं करया. मनपसंद की शादी करी थी, कोई गुणा नहीं करया किसी का. अपनी मनपसंद की लड़की लड़के आज के ज़माने में करा है तो ठीक है. हमने बेटा कोई इतराज नहीं था जी. जब जब मनोज और बबली की हत्या की गई, कहाँ जा रहे थे वो, क्या हुआ उस दिन? सर उस दिन तो मतलब ये मेरे ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि मैं अपने भाई भाभी को नहीं बचा पाई. लेकिन 15 तारीख को तो हमें पता ही नहीं था कि सर वो उनके साथ इतना कुछ हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे. सर वो कैथल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में बयान देने के लिए आए थे. किस चीज़ का बयान देने के लिए आए थे वो? बबली के घर वालों ने सर हमारे खिलाफ FIR करवा दी थी मनोज के जाने के बाद. तो उसके बाद सर पुलिस का और पंचायत का रोज़ काना शुरू हो गया सर अरेस्ट करने के लिए. सर तो हमने सर एंटिसिपेटरी बेल ली सर कोर्ट से. उसके बाद जो तारीख आई सर, उस तारीख पे जज साहब ने कहा कि 15 जून को मनोज बबली आएं और अपने बयान दर्ज करवाएं. जी. तो वो सर अपनी स्टेटमेंट देने के लिए आए थे दोनों. बबली ने कहा कि सर मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और मनोज के घर वालों का बिल्कुल भी हाथ नहीं है इसमें और मैं मनोज के साथ ही रहना चाहती हूँ. तो जज साहब ने पुलिस सुरक्षा दे दी उनको कि ये जहाँ तक जाना चाहें वहाँ तक छोड़ के आना है इनको. लेकिन सर पुलिस उनको है ना जो कुरुक्षेत्र के पास पीपली बस स्टैंड है सर, वहाँ पे छोड़ के चली गई सर. उसके बाद सर उन्होंने STD से बात की हमसे, वो जो आखिरी बात थी हमारी उनके साथ. हम उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की तरफ निकलेंगे और तुम है ना फ़ोन करते रहना हमारे पास. ये पीछे बबली के घर वाले शुरू से ही उनको मतलब उनका पीछा कर रहे थे सर कैथल कोर्ट से ही. तो सर जैसे ही बस से सवारियां उतर रही थी टोल टैक्स के आगे थोड़ा सा, तो उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी को सर बस के आगे रोक दिया और सर मनोज बबली को सर पीटते हुए बुरे तरीके से उन्होंने उतारा सर उनको. फिर बाद में जब ये अरेस्ट हुए, इन्होंने जो मतलब अपनी स्टेटमेंट दी है सर, उनसे हमें पता चला है कि इन्होंने मनोज बबली को बड़ी बेरहमी से मारा है सर. बबली को सर इन्होंने जहर दिया, उसके बाद मनोज को खूब जी भर के पीटा सर इन्होंने. उसके बाद मनोज को गाड़ी के पीछे बांधा सर और काफी दूर तक घसीटा सर इन्होंने. फिर गला घोंट के मार दिया सर. और मारने के बाद भी इनको तसल्ली नहीं हुई सर, हाथ पैर बांध के नहर में डाल दिया सर उनको. ये तो सर ऐसा दर्द है जिंदगी भर मतलब वो दिन भुलाई नहीं भूलता सर, और ना कभी भूल सकेंगे सर जब तक जिंदा है. और यही इसी से सर हमें हौसला मिलता है ये लड़ाई लड़ने का, कि हम मनोज बबली को तो न्याय दिलाएं, लेकिन जो आज की जो युवा पीढ़ी है सर, पता नहीं कितने मनोज बबली हैं सर, उनके लिए रास्ता खुल सके सर. बिल्कुल सही कहा आपने. मुझे बताइए कि मनोज और बबली की हत्या के बाद आप लोगों पर क्या क्या तकलीफें गुजरी और आपने क्या फैसला किया? हमने 21 तारीख को सर वहाँ बुटाना थाना में FIR करवाई. FIR करवाने के तुरंत बाद ही अगले दिन ही सर ये सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया हमारा, एक तरफा पंचायत करके सर. सर दूध देना बंद कर मतलब हर चीज़ सर, जो प्राइवेट जिप्सियाँ चलती हैं सवारियाँ ढोती हैं उसमें बिठाने से भी मना कर दिया. तो हमने जगमती मैडम से रोहतक से वो जो अस्थियाँ मंगवाई सर, उसके बाद सर अस्थि कलश लेने के लिए मेरी माँ गांव के कुम्हार के पास गई तो उन्होंने है ना अस्थि कलश देने से भी मना कर दिया. मनोज बबली को सबने इतना बेगाना कर दिया ना सर, चाहे वो रिश्तेदार हो कोई, चाहे गांव वाला हो कोई, हमारे घर बैठने तक के लिए नहीं आए सर. जैसे कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है सर.
इंसानियत सब मर चुकी थी सर. मनोज बबली के लिए तो मतलब जैसे गांव में कोई इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी कि कोई उनके साथ खड़ा हो सके. जी, तो आपने ये लड़ाई फिर कोर्ट में लड़ी? जी सर. आप पे कोई दबाव आया था उस वक्त? दबाव तो सर शुरू से ही आ रहा था. जैसे गवाहियां शुरू हुई तब से मतलब इनका आना जाना शुरू हो गया था. पंचायत हमारे घर तक आई सर, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, समझौते के लिए कहा गया हमसे. पैसे का लालच भी सर उन्होंने खूब दिया कि तुम मुंह खोलो, जितना पैसा मांगते हो ना तुम उतना ले लो, लेकिन उनको है ना बाहर निकलवा दो, समझौता कर लो एक बार. और साथ में मतलब ये भी कहते कि तुम्हारे भी दो लड़कियां, मेरी माँ को बोलते कि फिर अगर इनके साथ कुछ ऐसा हो गया तो फिर हमें मत करना, वापस ले लो अपनी FIR. उसके बाद सर कोर्ट में, जब सेशन कोर्ट में गवाहियां चल रही थी उस दौरान, जो बबली का भाई है सर उसी केस में था वो, तो उसने भरी कोर्ट में पुलिस सुरक्षा के होने के बावजूद भी उसने मतलब थप्पड़ मारा सर मुझे. मधुबन कॉम्प्लेक्स में सर जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ पे सर उन्होंने किसी और को भेजा सर मुझे मारने की सुपारी देकर 25 लाख रुपए की. आप इस वक्त कहाँ काम करती हैं? सर हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में काम करते हैं. तो पुलिस एकेडमी में उन्होंने एक आदमी भेजा कि आप जी सर आपकी जान ली जाए. हाँ जी सर. सीमा जी, आपने और चंद्रपति जी ने वाकई बहुत बहुत हिम्मत दिखाई है, और जिस हिम्मत और जिस बहादुरी के साथ आप दोनों ने ये लड़ाई लड़ी है उसके लिए हम आपको सलाम करते हैं. मैं दर्शकों को बता दूं कि मनोज और बबली का केस और इसके पहले जो हमने बातचीत की थी किश्वर आपा के साथ रिजवान के केस के बारे में, ये दोनों केसेस इस वक्त अदालत में हैं और अदालत के काम में दखल अंदाजी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है. हमें पूरा यकीन है कि इन दोनों मामलों में न्याय होगा. हमारी शुभकामनाएँ, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं. दोस्तों, इन दोनों महिलाओं का साथ एक और महिला ने दिया, जगमती सांगवान जी ने. जगमती जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने जब सीमा जी और चंद्रपति जी की सहायता की तो आप पे या आपके संस्था को क्या सामना करना पड़ा? जी सर, हमारे जो रिश्तेदारियां हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, उन सब की तरफ से ये दबाव डलवाया गया पहले तो कि किसी तरह से सीमा और चंद्रपति को आप ही मना सकते हो, मनाओ, समझौता कर ले वो उस तरह से. जी. तो फिर उसके बाद मतलब पैसा कि आपका ये ऑफिस ये बनवा दिया जाएगा, ये होगा वो होगा सारा. फिर उसके भी बाद दाल निगली तो हमारी जो लीडरशिप है उसको टेररिज करने की जो कोशिशें जो हैं वो लगातार उस दौरान की गई. जी, और जी, जी. मतलब हम महीनों महीनों अच्छे से सो नहीं पाए. हम कई सालों तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई जो मुख्य अक्यूज्ड जो थे. जी. हमने DC को SP को लिटरली घेर के बैठना पड़ा सड़कों के ऊपर, और उस तरफ से फिर अपनी कम्युनिटी का हमला कि ये इस तरह के केस के अंदर ये सड़कों पर हैं. लेकिन जुडिशियरी ने और मीडिया ने जो उस समय पे हस्तक्षेप किया उसने असल में हमें बचा के रखा कि हमारे ऊपर फिजिकल अटैक्स नहीं हुए. चलिए, आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई. दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो हम बातचीत करेंगे हरियाणा की एक बड़ी खाप के सदस्यों से, उनके नेताओं से, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है. वेलकम बैक दोस्तों. इस वक्त मेरे साथ हैं महम 24 खाप के सदस्य. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. मैं दर्शकों को बता दूं कि हरियाणा में अलग अलग खाप पंचायतें हैं और इस खाप का, महम 24 का, मनोज और बबली के साथ कोई संबंध नहीं है. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं और न्यूज़ पर भी हम देखते हैं अलग अलग खाप जो हैं वो लड़का लड़की ने शादी कर ली है तो उनके खिलाफ फतवा जारी होता है, और फिर जैसे हमने आज भी देखा कभी कभी उनकी जान भी जाती है. तो इसमें कितनी सच्चाई है आप हमें बताइए. कई बुजुर्गों ने हजारों साल पहले से कोई लाइन बना रखी है कि भाई जीवन को इस तरह चलाना है. जी. तो उस लाइन को छोड़ के वासना के वशीभूत होके जो लड़के लड़की गुमराह होके घर छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं या उनके परिजन मार देते हैं, लेकिन उसमें खाप का कोई हाथ नहीं होता. आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है
कि किसी खाप ने ये कहा हो कि भाई इस लड़का लड़की को मार दो। तो आपका ये कहना है कि खाप जो है वो कभी ऐसा नहीं कहती कि इनको मारो? नहीं, कभी भी नहीं। और इनको सजा दो ऐसा नहीं कहती? सजा हो सकती है, जैसे लड़का लड़की ने गलती कर ली और देखा कि भाई अभी इनका जीवन बर्बाद हो गया, भाई ये तुम गांव में ना आया करो और कहीं रह लो, इस तरह की फैसले तो कई जगह लिए गए हैं। इस तरह के फैसले लिए गए हैं और इस तरह की सजा आप सुनाते हैं। हमारे कानून के तहत आपको ये हक है कि हम आप ऐसे फैसले सुनाएं? मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। देखिए, कानून का जहाँ तक सवाल है उसमें खापों को किसी किस्म का कोई अधिकार नहीं है, ना हमारे पास कोई जुडिशियल पावर है, ना हमारे पास कोई पुलिस फोर्स है। हमारे पास तो अगर किसी को पीड़ा है वो आता है जी। लेकिन आपने भी कहा कि आप कुछ ऐसे भी फैसले सुनाते हैं कि सजा देते हैं, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये फैसला आपको करना चाहिए? आखिर हिंदुस्तान की जुडिशरी है, ये फैसला उनको नहीं करना चाहिए? उसमें ऐसे है जी, जुडिशरी में जजमेंट होता है जी, जी जी, न्याय नहीं होता। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जुडिशरी में न्याय नहीं होता? एक मिनट जी, मैं बोलूं। ऐसे है जी, इब कोर्ट में कानून पे जाते हैं, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, कितने पैसे लग जाते आपने हैं। आपने पंचायत ये अल्फाज इस्तेमाल किया, ये शब्द इस्तेमाल किया, तो आमतौर पे हमने देखा है कि ग्राम पंचायत होती है, उसमें चुनाव होते हैं और उस चुनाव में लोग चुने जाते हैं और फिर वो पंचायत में बैठते हैं। तो मुझे बताइए कि आपकी जो पंचायत है इसमें इलेक्शंस होते हैं? हमारी पंचायत में कोई इलेक्शन नहीं, जो गांव के बुजुर्ग आदमी हो, जो गांव का समझदार हो, पंचायत में आती है और नीचे बैठ के उस बात पर विचार करते हैं। तो आपके पंचायत में मतलब इलेक्शंस नहीं होते? इलेक्शन सर्वसम्मति। अच्छा, तो चलिए ले लीजिए मनोज बबली का किस्सा, आपकी पंचायत पे आता तो आप क्या फैसला सुनाते? उन्होंने सही किया या गलत किया? जवाब मैं दूंगा जी, सुनो जी प्रधान जी, हमारे पास अगर दे देते तो उस समाज से ये कह देते भाई इसका किन को हाथ मत लगाना इनका। तो मतलब जो किया सही किया? नहीं, वह गलत नहीं। समाज की जो मर्यादाएं परंपराएं हैं उन परंपराओं के उन मर्यादाओं के वह खिलाफ जी इन्होंने गलत किया। लड़का लड़की ने भावुक होकर के एक काम वासना के चक्कर में होकर के ये गलत मार्ग पकड़ के, लेकिन मारो मत इनको। जहाँ तक मेरी जानकारी है हिंदुस्तान का जो कानून है तो हमारे देश का कानून मेरे हिसाब से वो नहीं तोड़ रहे थे जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन जाहिर है कि आपके खाप का कानून तोड़ रहे थे। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि हमारे देश का कानून अलग है और आपके खाप का कानून अलग है। देश आपको आज़ादी देता है कि आप शादी कर सकते हैं, आप बालिक हैं और आप देश का कानून नहीं तोड़ रहे हैं। तो आपने एज एन इंडियन, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है, लेकिन एक पंचायत जो चुनी नहीं गई है वो आपसे कहती है कि आपने ये गलत किया है, ये मैं कैसे मान लूँ? कानून में भी ये है कि जो खून का है वो रिश्ता ना हो, कानून में भी है जी। आप भाई बहन से शादी नहीं कर सकते, हाँ, माँ बाप से शादी नहीं कर सकते, लेकिन मनोरज और बबली तो एक परिवार के नहीं थे जहाँ तक मेरा ख्याल है? नहीं थे जी। तो फिर उन्होंने क्या कौन सा कानून तोड़ा है? जहाँ तक मेरी जानकारी है जी, इंग्लैंड का आज तक भी कोई लिखित संविधान नहीं है जी। जी, वो सारा परंपराओं पे आधारित है। लेकिन इस वक्त तो हम इंग्लैंड में नहीं रह रहे हैं भाई, हम रह रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन देहात के अंदर जो है वो परंपराओं को ज्यादा अहमियत दी जाती है। कानून का तो अनपढ़ आदमी उनको पता ही नहीं होता कानून है क्या। तो इसका मतलब ये कि जो हिंदुस्तान का कानून है वो एक तरफ और आपका कानून अलग है कि भाई हमारा कानून ये है, हम हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते, हम इंग्लैंड के कानून को मानते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा आप लोगों के लिए, जो मैंने हमने अभी वीडियो पे भी देखा और बहुत दफा मैंने खुद देखा है टीवी न्यूज पे खाप पंचायतों के बारे में, ये जितने न्यूज आते हैं खबर आती है, आपके हिसाब से ये टोटली गलत है? हमारी पंचायत कोई भी खाप की पंचायत आज तक किसी ने किसी के थप्पड़ मारने का भी वो ऐसी सजा नहीं दी फिजिकल। तो ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये खाम खा के आरोप लगाए जा रहे हैं ये मीडिया। चलिए प्रधान जी, आप लोगों की बहुत सारी बातों से मैं शायद सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का और हमसे बातचीत करने का। नमस्कार।
दोस्तों अब हम बात करेंगे डॉक्टर डी आर चौधरी जी से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और इस मुद्दे पे चौधरी साहब ने किताब भी लिखी है। आइए चौधरी साहब। डॉक्टर चौधरी हमें बताइए, आपने खाप पंचायत की बातें सुनी, जैसे पंचायत के सदस्यों ने कहा कि हम परंपरा बचाने की कोशिश करते हैं और हम और कुछ नहीं करते, आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए, परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, इसे मैं नहीं नकारता जी, लेकिन जैसे पानी एक जगह ठहरा रहे काफ़ी देर तक तो वो उसमें गंदगी आ जाएगी, बदबू मारने लग जाएगा। ये कुदरत का नियम परंपराओं पे भी लागू होता है, तो परंपराएं समय के अनुसार बदलनी चाहिए, समाज बदल रहा। मेरे विचार में मेरे जो खाप के साथी हैं इस मेल को, इस संबंध को समझने में नाकाम हो रहे हैं, इस वास्ते ही समस्या पैदा हो रही जी। दूसरी बात, एक तरफ परंपराएं हैं, दूसरी तरफ हमारे मुल्क का कानून है, संविधान है। अगर दोनों में टकराहट हो तो कानून और संविधान को फॉलो करना जरूरी है अगर समाज को आगे बढ़ना है। जी, जी। अगर हमारे खाप के साथी समझते हैं उनकी परंपरा बहुत ठीक है तो वो संविधान में अमेंडमेंट के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन किसी समाज, किसी परिवार का बहिष्कार करना, किसी का कत्ल करना, ये एक वैश्याना हरकत है जिसको कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इनका ये कहना कि खाप का कोई रोल नहीं, मैं दर्जनों मिसाल दे सकता हूँ, मैं 20 साल से इस समस्या का अध्ययन कर रहा हूँ। आपने ये वीडियो में अभी दिखाया, गंगा रास खाप और उधर जाट कम्युनिटी का एक सम्मानित महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसने बहिष्कार का ऐलान किया है कि जो इस परिवार से संबंध रखेगा उस पर 25,000 रुपया जुर्माना होगा, कोई इनसे लेन देन नहीं रखेगा, कोई सामान नहीं देगा। तो कैसे कहते हैं खाप का रोल नहीं है? और ये जुड़ा बैठा शिल्पा और रविंदर का, इनका गोत अलग है, खाप अलग है, जिला अलग है, फिर भी आज तक गांव में अपने माँ बाप को मिलने के लिए गांव में घुसने की इजाज़त नहीं है। आज तक आप लोग नहीं जा पाए? पिछले 3 साल से ये घुस नहीं पा रहे हैं गाँव में, ये खाप का फैसला है। चौधरी साहब मुझे बताइए कि इस समस्या के प्रति सरकार का या सियासी तबकों का क्या रवैया रहा है? हरियाणा की प्रॉब्लम ये है कि जो रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन हो, उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इतनी है पॉलिटिशियन में कि वो अपने साये से डरते हैं और इसी वजह से इन पंचायतों के बारे में उनको डर है कि हमारा वोट बैंक लूज कर जाएंगे हम। राजस्थान में भी इस किस्म के फैसले होते थे शाजी तुलवाने के बहिष्कार करने के, वहाँ के होम सेक्रेटरी ने सब DMs को और SPs को सर्कुलर भेजा कि इन ऐसी पंचायतों पे नज़र रखी जाए, अगर कोई गैर कानूनी फैसला लेता है तो उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत उनको अंदर किया जाए। इसके बाद ये फैसले आने बंद हो गए हैं। मेरा एक और एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि ये हमारी इज्जत का सवाल है इसलिए हम कर रहे हैं। जब हम इज्जत की बात करते हैं तो ये जब कन्या भ्रूण हत्या का मामला आता है या बाल यौन शोषण का मामला आता है तब हम अपनी इज्जत क्यों भूल जाते हैं? और इज्जत हमें तभी याद आती है कि जब लड़की अपने मन से, अपने मर्जी से शादी करती है तभी हमको इज्जत याद आती है। जब हम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हमारे प्रदेश में भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही हैं, सेक्स रेशो में हरियाणा वर्स्ट है इंडिया में नहीं सारे वर्ल्ड में, और लड़कियां खरीद के नेपाल, झारखंड, दूर दराज इलाकों से लड़कियां हजारों की तादाद में लड़के बेची जाती हैं, जिनका मजहब और है, रहन सहन और है, बैकग्राउंड और है, उनकी कोई जात पात नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता। तो ये एक एक दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड है मेल डोमिनेट सोसाइटी का, जहाँ सदियों से स्त्री को दबा के रखा जाता है, उसको अधिकार नहीं दिए जाते। वो ये कहते हैं कि अगर इनको कुछ आज़ादी मिली या अपनी इच्छा से शादी करने का मौका मिला तो हमारे अधिकार से चली जाएंगी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बातचीत करने का। दोस्तों, इस सारे मामले में कानून क्या कहता है ये जानने के लिए चलिए बात करते हैं एडवोकेट नवकिरण जी से जो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे। नमस्कार नवकिरण जी, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है जी आपके? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में ऐसे कितने केसेस आते हैं
ये जिसमें कपल्स को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। डेली के एटलीस्ट 25 केस आते हैं। रोज 25 केसेस, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। मुझे बताइए कि समाज वालों को या इनके परिवार को कोई कानूनी हक बनता है इन शादियों को रोकने का? पहली बात तो ये है कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का बिना शादी भी रह सकते हैं, तो अगर वो शादी करवाते हैं अपनी मर्जी से तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जी नवकिरण जी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन होम्स नाम की कोई सुविधा शुरू की है, तो ये प्रोटेक्शन होम्स का क्या काम है, क्या करते हैं ये प्रोटेक्शन होम्स? लड़का और लड़की जब चाहें कि वो मैरिज करवाना चाहते हैं तो वो सीधा प्रोटेक्शन होम में आ सकते हैं और प्रोटेक्शन होम में ही उनकी शादी होगी। 15 दिन के लिए उनको मुफ्त वहाँ पे रखा जाएगा और उन 15 दिनों में जो है उनके परिवारों को बुलाया जाएगा, उनको बताया जाएगा जो भारत का संविधान है उसके मुताबिक हर एक शख्स को अपनी मर्जी के बिना पर शादी करने की इजाज़त है और हाई कोर्ट जो है कंसर्न्ड एसएसपी को और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को ये डायरेक्शन देता है कि इनको तंग परेशान ना किया जाए और लड़की के माता पिता कोई कंप्लेंट लिखाते हैं तो इनके ऊपर वो कोई झूठा केस ना डाला जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवकिरण जी हमसे बातचीत करने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों हम पंजाब हरियाणा खाप बेल्ट इन इलाकों की इतनी बातचीत कर रहे हैं, कहीं आपको ये गलत फहमी ना हो जाए कि ये समस्या इन्हीं इलाकों तक सीमित है। जी नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में नौजवानों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। हर जगह परिवार और समाज प्रेमियों का जीना मुश्किल कर देते हैं और अक्सर इसमें पुलिस भी साथ जुड़ जाती है और परिवार वालों का ही साथ देती है, जबकि पुलिस का काम, उनका फ़र्ज़ ये है कि वो सिर्फ कानून की रक्षा करें। ऐसे में कौन है जो नौजवानों की मदद करेगा? लौट के आते हैं और जानते हैं। वेलकम बैक। दोस्तों हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग किस तरह प्यार करने वालों के दुश्मन हैं और बहुत खोजने के बाद हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो प्रेमियों के दोस्त हैं। जी हाँ, मेरे सामने बैठे हैं संजय सचदेव जी जो लव कमांडोज के चेयरमैन हैं। संजय जी मुझे बताइए, हमने ब्लैक कैट कमांडोज के बारे में सुना है, नेवी कमांडोज के बारे में सुना है, आर्मी कमांडोज के बारे में सुना है, ये लव कमांडोज क्या होता है? जो कि हम मानते हैं प्यार करना पाप नहीं है और विरोधी हमारा बाप नहीं है, इसलिए हम प्रेमियों की मदद के लिए दुनिया का इकलौता जत्था है लव कमांडोस। दुनिया का इकलौता जत्था, वॉलंटरी इनिशिएटिव। जी 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 जी। प्रेम का विकास हो, प्रेमी प्रेमिकाओं में विश्वास हो, प्रेम विरोधियों का नाश हो, गर्व से कहो हम प्रेमी हैं, अपराध बोध से नहीं, गर्व से कहो हम प्रेमी हैं, क्योंकि जब तक आप अपराध बोध से प्रेम करते रहोगे, छुपते रहोगे समाज से, परिवार से, लोगों से, तो ये जाति पंचायतें, ग्राम पंचायतें, खाप पंचायतें, समाज, रिश्तेदार, ये प्रताड़ना करते रहेंगे। हिम्मत करो प्रेमियों, चूंकि पुराना गीत है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। उधर हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं ये साथ लाया, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो जाति प्रथा हमारे देश के लिए है एक दीमक की तरह तबाह कर रही, देश को बांट रही है, बांट रही है, और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इंटरकास्ट मैरिजेस, यानी कि जनरली लव मैरिजेस होती हैं अपने आप में, अरेंज में तो इंटरकास्ट का होता ही नहीं, वही इस देश को टूटने से बचा सकती हैं, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये जो आज जो ऑब्जेक्ट करते हैं बुजुर्ग, मैं भी उस उम्र में हूं लेकिन अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि भाई आप अपने जमाने में नाकाम रहे, कोशिशें आपने बहुत की, आपका दिल भी धड़का किसी लड़के को देख के, किसी लड़की को देख के, अरे अपने बच्चों पे गुस्सा मत उतारो, हमारे जैसे बाप वाला दिल लाओ, अपने बच्चों को प्यार करने की आजादी दो, बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। जब 18 साल का लड़का इस देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है तो अपना जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकता? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे बताइए संजय जी, जब जब कोई कपल तकलीफ में होता है, आपको फोन करता है, तो आप किस तरह उसकी मदद करते हैं? ये डिपेंड करता है केस टू केस। जी, जिसको शादी कराने में मदद की जरूरत है हम शादी कराते हैं, जिसे लीगल मदद की जरूरत है लीगल मदद देते हैं, बहुत केसेस में रेस्क्यू करना पड़ता है, उनकी जान को खतरा होता है, जान को,
सात शेल्टर चला रहे हैं जहां इन्हें फ्री फूड, फ्री स्टे, प्रोटेक्शन, जाने क्या क्या हम करते हैं। क्योंकि किसी ने तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी। बिल्कुल संजय जी, ये जो यंगस्टर्स हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, ऐसे केसेस में पुलिस का क्या रवैया होता है? पुलिस के जो लोग हैं जी, वो कहीं इंग्लैंड, अमेरिका, जापान से इम्पोर्टेड नहीं है। वो हम लोगों में से, इसी सोसाइटी में से भर्ती होके पहुंचे। उनकी जो दिमागी मानसिकता है वही पुरुषवादी मानसिकता, वही प्रेम विरोधी मानसिकता। जैसे प्यार करना अपराध हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का हमारा वर्स्ट एक्सपीरियंस है। लड़का लड़की मर जाएंगे, वो पुलिस वाले कहेंगे कागज कहाँ गया, पता नहीं, ढूंढ के बताते हैं। हमारे बीच में यहाँ राजबीर और माधुरी का जोड़ा बैठा है, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा ले गए, इसे मरा हुआ जान के खड्डे में गिर दिया, इसकी कार ले गए, सब कुछ लूट के ले गए, ये तो जिंदा बच गया। नोएडा पुलिस ने 0 FIR लिख के सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर, कागजों में लिए घूम रहा हूँ। सोसाइटी में मूल समस्या है। ये जो जुलूस निकाल के शादी होती है, ट्रैफिक भी जाम करते हैं, वो पटाखे भी चलाते हैं, नॉइस पोल्यूशन भी करते हैं, दहेज पोल्यूशन भी करते हैं, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेटों को, 7 सिस्टर स्टेट्स को, जहां के इंडियन कल्चर में है शादी तब कर सकते हो, पहले प्यार करो तो शादी कर सकते हो, जो प्यार नहीं कर सकता वो शादी नहीं कर सकता। ये वहां का कल्चर है। आप पूजा करते हैं राधा कृष्ण की, वो पति पत्नी थोड़ी थे, प्रेमी प्रेमिका थे भाई, दुनिया जानती है। और तो मैं कहना चाहता हूं धर्म के ठाकेदारों, या तो इनकी मूर्तियों की पूजा बंद कर दो, या प्रेमियों के प्रेम को स्वीकार कर लो। मीडिया का क्या रवैया होता है इस किस्म के केसेस को लेकर? पता नहीं अखबार में कैसे छापते हैं, लड़की भाग गई, लड़का भगा ले गया। क्या आपने क्या समझा कि सारी पीटी उषा है क्या जो भागती रहेंगी? भाई कोई साइकिल पे गया होगा, रिक्शा पे गया होगा, स्कूटर पे गया होगा, मोटरसाइकिल पे गया होगा, कार पे गया होगा, रेल पे गया होगा, जहाज पे गया होगा, पैदल ही गया होगा, पर मैंने दौड़ लगा के भागते हुए किसी को नहीं देखा। ये एक गलत धारणा कि जी फलां की लड़की भाग गई उसका हुक्का पानी। अरे भाई क्यों हुक्का पानी बंद होगा? इस बात को समझना होगा पूरे समाज को। एक के समझने से काम नहीं चलेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि एक दिन आएगा, लव शैल कांकर द वर्ल्ड, लव शैल रूल द वर्ल्ड, वही दिन होगा इस दुनिया की सच्ची आजादी का। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। दोस्तों यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो हम देखेंगे एक अनोखी शादी। वेलकम बैक दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कि जब दो बालिग इंसान ये फैसला करते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं और अपना जीवन साथ बिताना चाहते हैं, तो क्या समाज का और परिवार वालों का कोई हक बनता है कि वो इस शादी को तोड़ें या जोर जबरदस्ती ना होने दें? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने मोबाइल फोन पर वाई टाइप करिए और इस नंबर पर भेजिए 5782711। अगर आपका जवाब ना है तो एन टाइप करके इसी नंबर पर भेजिए। इस SMS को भेजने का खर्च सिर्फ 1 रुपया है। आपके SMS के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद, वो सारा का सारा पैसा इस संस्था को दिया जाएगा, हिम्मत महिला समूह। हिम्मत महिला समूह एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और जिससे जगमती जी भी जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी तरफ से ये भेंट आप स्वीकार करें। आप एक से ज्यादा SMS भी भेज सकते हैं। अगर आप इस संस्था को और भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाकर आप अपने नज़दीकी एक्सिस बैंक पर जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा में मिल जाएगी। इस देश की जनता से जितनी भी रकम इकट्ठा होगी, चाहे वो SMS के जरिए हो या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए या चेक्स के जरिए, उसकी मैचिंग रकम यानी उतनी ही रकम रिलायंस फाउंडेशन इसी संस्था को देगी। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर यानी जन कल्याण सहयोगी है। दोस्तों अब मैं आपको एक और जोड़े से मिलाना चाहता हूं। अलका और उदय जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत करूं, आइए हम देखते हैं इनकी कहानी क्या है।
राजस्थान के मारवाड़ी जैन समाज में दयाल जैन के परिवार का नाम काफी इज्जत से लिया जाता है। मुंबई में अच्छा कारोबार, समाज में रुतबा, परंपराओं को मानने वाला बड़ा संयुक्त परिवार। माँ बाप को अपने बच्चों पे बहुत नाज था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बड़ी बेटी अलका उन्हें बिना बताए बिरादरी के बाहर जाकर शादी करेगी। इस बात ने पूरे परिवार में हलचल मचा दी। हमारी रिलीजन से नहीं है, हमारे कास्ट से नहीं है, तो सामाजिक इफेक्ट भी क्या होगा, उसकी बहुत चिंता थी। अलका ने डॉक्टर उदय से जन्मों जन्म का रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन खुद जन्म देने वाले माँ बाप से दूर हो गए। सामाजिक दबाव में आकर माँ बाप ने अलका और उदय को नहीं अपनाया। सोशल प्रेशर बहुत था, तो यंगर सिस्टर्स थी जिनकी शादी हुई थी, तो ओपनली एक्सेप्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। बहुत से लोग एडवाइस करते थे कि आप उनसे रिश्ता मत रखिए, सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। समवेयर कहीं पर आपको वो गिल्ट होता है, आप कभी भी अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते हो, और आपसे ये हो गया, आपने काफ़ी लोगों को तकलीफ पहुँचाई है। ऑल गर्ल्स थिंक दे वॉन्ट यू नो देयर फैमिलीज ब्लेसिंग्स व्हेन दे लीव द हाउस, व्हिच आई डिडंट गेट एट द टाइम। अलका अपने माँ बाप और भाई बहनों के प्यार के लिए एक अरसे तक तरसती रही। द सैड पार्ट इज दैट इंडिविजुअली किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट कलेक्टिवली एज अ कम्युनिटी सब ऑब्जेक्शन आ जाते। आखिरकार समाज की बेड़ियां तोड़कर माँ बाप ने बेटी दामाद को अपना लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आखिर अपना चाइल्ड है, उसकी हैप्पीनेस है, वो सब देखते हुए धीरे धीरे 1:1 उसकी 25th एनिवर्सरी का समय आया, तो हम लोगों ने सोचा कि उस समय हम कुछ तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो आज उनको खुश देख के तो उनके लिए एक सरप्राइज फंक्शन का अरेंज किया। और दयाल जैन के परिवार ने धूमधाम से अलका उदय की फिर से शादी करवाई। मैंने अलका जी से कहा था कि वो अपने पेरेंट्स को भी लेकर आएं, लेकिन आप अपने मम्मी डैडी को नहीं लेकर आईं, क्यों, ऐसी क्या बात है? शायद मैं उनको देखकर बहुत इमोशनल हो जाती, शायद पता नहीं आमने सामने बात करना शायद मुश्किल हो जाता, तो इसलिए आप उनको नहीं लाई आज, लेकिन हमने उनको बुला लिया है। अच्छा। और इस वक्त वो यहाँ है। अलका के मम्मी और डैडी प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज। अलका आप भी यहाँ आइए। तो देखिए दोस्तों, इतने सालों के बाद भी बदलाव मुमकिन है। जी जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, कहिए कहिए कहिए। इस शो के जरिए, आपके जरिए अपनी फैमिली वालों को थोड़ा सा मैसेज देना चाहती हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि पापा आपने अभी जो देखा, तो वो भी तो पेरेंट्स थे, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, भले ही थोड़े लंबे समय बाद, लेकिन एक्सेप्ट तो किया, एक बेटी की फीलिंग्स तो समझी। हमने आपको तकलीफ देने की सीरियसली कभी नहीं सोचा कि हम आपको तकलीफ भी दें, और हम आज भी वही हैं, और वही फहमीदा है, वही आपकी बेटी है। प्लीज़ इतना सारा गुस्सा छोड़ के थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, जिससे हमारी लाइफ कट जाएगी। मैं फहमीदा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और उनकी तरफ से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा उनके पूरे परिवार से, जब से हम मिले हैं फहमीदा जी से, वो आपकी ही बातें करते रहती हैं और आपको बड़ा याद करती हैं, और एक बार फिर आप उन्हें अपना लीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मेरे ख़्याल से हम सब की ये रिक्वेस्ट होगी।
दोस्तों, हर माँ बाप के दिल में अपने बच्चे के लिए बड़े अरमान होते हैं, बड़े सपने होते हैं, बड़े ख्वाब होते हैं। मैं खुद एक पिता हूँ और मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन कभी कभी हमारे बच्चों के अरमान, उनके सपने, उनके ख्वाब हमारे सपनों से अलग होते हैं। और जब ऐसा होता है तो अगर वो बालिग हैं तो हमें उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। नौजवानों से मैं ये कहना चाहूँगा कि शादी जिंदगी का एक बहुत ही अहम फैसला होता है और इस फैसले में अपने माँ बाप को, अपने परिवार को यकीनन शामिल कीजिए, उनकी राय लीजिए, उनके अनुभव का लाभ उठाइए। आपके माँ बाप ने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है और उनके दिलों में आपके लिए प्यार है, वो आपके शुभचिंतक हैं, आपके अपने हैं। माँ बाप से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता बना के रखना चाहिए कि वो हमारे साथ खुलकर इन चीज़ों के बारे में बात कर सकें। और हमें अपने बच्चों की इज्जत करनी चाहिए, उनके विचारों की, उनके जज्बातों की इज्जत करनी चाहिए। अब अगर मेरा बेटा जुनैद मेरे लाख समझाने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानता तो फिर उसके बाद मुझे उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसे डराना धमकाना नहीं चाहिए, उसके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। आखिर वो बालिग है और ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है, उसकी ज़िंदगी के बारे में हर अंतिम फैसला उसका खुद का होना चाहिए। याद रखिए कि माँ बाप और औलाद का रिश्ता हम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते, इसे हम अच्छा या बुरा बना सकते हैं, इसमें हम उदासी या फिर खुशहाली ला सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते। इस उम्मीद के साथ कि हमारे परिवार हमेशा एक होकर रहेंगे और हम सबकी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। मोहब्बत जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। दे दो दुआ